धनतेरस में जिस चीज को खरीदा जाता है उस चीज में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 5 दिवसीय दिवाली की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है, साथ ही भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। इस बार तिथियों के कारण धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाई जाने वाली है। धनतेरस के दिन कुबेर देव, माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस दिन जिस चीज को खरीदा जाता है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन घर में नई झाड़ू लाने की परंपरा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप सोना चांदी इस दिन नहीं खरीद पा रहे हैं तो झाड़ू जरूर खरीद ले। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र काफी प्रिय होता है। अगर आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र घर लाते हैं और गोमती चक्र का पूजा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप गोमती चक्र को धन रखने वाली जगह पे रख देते हैं तो रुपए पैसों में कभी किल्लत नहीं आएगी। ये भी माना जाता है कि इस दिन साबुत धनिया खरीदने से काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदने का भी परंपरा है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी देवी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी तो उनके हाथ में अमृत कलश था जो कि पीतल के धातु का था, इसीलिए इस दिन पीतल का धातु खरीदना शुभ माना जाता है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।